मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 24 फरवरी 2002 और मुरली का सार है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। तो चलिए बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार हैं। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते हैं। क्या रहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। तो बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में पर स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों के प्रति कि वो डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। पूछा है बाबा ने, फिक्स की है या नहीं होनी है। तो डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट एक साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी, अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं, यह तो बहुत अच्छा। लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है। जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं कि यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, यह भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे। लगन तो है लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है, होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है, बाप तो बैकबोन है ही। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस फैलाना। वृत्ति माना विचारों के द्वारा। तो बाबा कहते हैं वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो जितनी आत्माओं के प्रति चाहो वृत्ति द्वारा यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है, आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना। तो डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं, नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। तो कुमारियां आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के मंदिर हैं, सभी के मंदिर हैं। अच्छा, मुबारक हो, मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हैं। तो कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपनी शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ।
लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन है या खत्म हो गया? इसके लिए सबसे सहज विधि है कि पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। क्या चेक करना है कि एक सेकंड में चेक कर सकते हो? अभी अभी करो, सेकंड देवे क्या, बोलने में ही सेकंड मिल गया। तो अभी अपने अंदर चेक करो कि मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा, बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर ही नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं कि वह है ही ऐसा ना, तो है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। तो बाप को भी ज्ञान देते हैं कि बाबा आपको पता नहीं है कि वो आत्मा है ही ऐसी, लेकिन बाप पूछते हैं कि वे खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए। लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो, क्या ये बाप की छुट्टी है? जो समझते हैं कि ये बाप की छुट्टी नहीं है, वो एक हाथ उठाना, टीवी में दिखाओ, आप देख रही हो ना, दादी को बोल रहे हैं, बाबा अच्छा याद रखना, हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, तो बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। तो ये पक्का समझ लो, कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख में जिम्मेदार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। वो किसी को दुख देता, उसमें नहीं उसकी हेल्प करो, उसको चेंज करने में हेल्प करो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं कि बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। तो आप सबने एक दो के, आप सब एक दो के क्या बन गए हो? जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा कि कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा ने सर्व बच्चों के प्रति याद प्यार देते, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा, 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, ऐसा कहा क्या? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे आपको क्या फायदा है? है कोई फायदा? अगर आपको इसमें फायदा है, फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, तो वो बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं कि उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा ही नहीं है, नॉलेजफुल बनना तो अलग चीज है। नॉलेज है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, तो नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है। किसी को गलत कहना रॉन्ग नहीं है, लेकिन अपने मन में ही धार लेना कि ये गलत है, हमेशा ही गलत है, ये रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि फिर अपने में मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। किसका नुकसान हुआ? हमारा ही हुआ ना। तो जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो ये आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो आत्माएं हैं, वृत्ति वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है कि सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। अपने लिए भी अच्छा सोचो और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो।
है ना। तो हम दूसरों के लिए कई बार अच्छा सोचते हैं और अपने के लिए कहते हैं हम तो है ही ऐसे, हमसे तो हो ही नहीं रहा, हम तो बन ही नहीं रहे बाप के जैसे। तो बाबा ने क्या कहा, तीव्र गति का प्रयत्न क्या करना है हमको, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए पॉजिटिविटी को धारण करना है। नॉलेजफुल भले बनो लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारणा नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। तो अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है। क्या किया है कि वाणी से परिवर्तन और शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, होता है लेकिन बहुत धीमी गति से। तो अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है ना आप सबने कि मधुबन में जो भी आते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है, वायुमंडल का। तो यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार हैं लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है, वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है, अनुभव है ना। तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, ये है तीव्र गति का दिल का छाप। तो वायुमंडल दिल में छप जाता है, सुनी हुई बातें भूल सकती हैं लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वो भूल नहीं सकता। ऐसे है, है ना ऐसे। तो बाप दादा सुनते रहते हैं कि प्रत्यक्षता कब होगी, आपस में रू रिहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है, बोलो पांडव अभी क्या करेंगे। बाबा कहते बोलो क्या करेंगे पांडव। वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न रहम दिल शुभ भावना शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं है। तो अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है, हिसाब तो पूछेंगे ना। तो हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि वृत्ति में दृष्टि में बोल में रहम दिल शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितनी परसेंट में रही। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज़्यादा हैं। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। बाप दादा ने ड्रिल भी कराई। तो बाबा कहते सुना सभी ने। अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी इसी विषय पर रिसर्च करो। कौन सा विषय, बाबा ने जो भी बताया कि वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं, रिसर्च कर रहे हो ना। तो ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। तो अच्छा है, आपने अपने आप को बिजी रखते हो, है ना, अपने आप को बिजी रखते हो, रिसर्च कर रहे हैं। तो बाबा कहते अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, यह अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना कि ये करना है ये करना है, नहीं, करो, अनुभव करके एग्जाम्पल बन के दिखाओ और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा, ठीक है ना। तो यह जो रमेश भाई है निमित्त हैं, तो बाबा ने कहा अच्छा है, अभी भी 15 दिन पड़े हैं, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ, ठीक है, कर सकेंगे, हो सकेगा, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो अब दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे, ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनें, बहनों के बिना तो कोई गति ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे, सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके
थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। चलो परमधाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर ही सकते हैं ना। ये प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए तो ये अच्छा है। जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है ये अच्छी है, उलहाना नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा। हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं, 1.5-2 साल हो गए या ज़्यादा हो गए? तो बाबा को बताया कि 10-12 साल हो गए। तो बाबा कहते वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए, अच्छा बहुत टाइम हो गया है। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। क्या संकल्प है? बाप दादा ने 2-3 बार कहा है लेकिन हुआ नहीं है, कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी हैं, चाहे हाफ योगी हैं, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है, ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में वह सभी देखें कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो लेकिन 5 तो लाओ पक्के, अच्छे सहयोगी, सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं तो लाओ। तो बच्चों ने पूछा बाबा कब लाएं? तो बाबा ने कहा वो दादियों के ऊपर है ना। तो बाबा कहते, बच्चों ने पूछा बाप दादा के प्रोग्राम में लाएं? तो फिर बाबा ने कहा, क्या कहा? बाबा कहते वो फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हों, 5 तो निकल ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं कहते, 5 बस, तो ये दादियाँ पास करेंगी। तो इंजीनियर्स की मीटिंग थी, बाबा ने कहा इंजीनियर्स का काम ही है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियाँ करेंगी। दादियाँ आपके साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज़्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे ना तो लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, ठीक है ना? तो अभी प्रैक्टिकल होना है ना। तो 1-2 में सभी कहते हैं कि बाप दादा तो सबकी रूरिहान सुनते रहते हैं, सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष हो, लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ, बाप भी आप द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो, कहीं भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल एकाग्र शक्तिशाली रहे, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा चारों ओर के सर्व सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज वरदान दिया कि समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव,
समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है कि वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वो कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती, वो ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती हैं। स्लोगन है, अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। ओम शांति।